हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कुकुम्बर फेस पैक कैसे बना सकते हैं घर पे। मैं आपको यहाँ पर तीन तरीके का फेस मास्क बताऊंगी जो कि आपके अलग अलग स्किन टाइप के लिए होगा। मैं इस वीडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बताने वाली हूँ, आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें करने के लिए बताऊँगी और उससे जो है वो फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। कुकुम्बर हमारे स्किन पर क्या क्या बेनिफिट देता है आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ। आपने महंगे महंगे प्रोडक्ट के जो हैं वो शीट मास्क और फेस पैक, कुकुम्बर फेस पैक काफ़ी सारे यूज़ किए होंगे। और ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने महंगे शीट मास्क नहीं परचेज़ कर पाते हैं, इतने महंगे फेस पैक्स नहीं परचेज़ कर पाते हैं। पता नहीं क्यों आज बार बार शीट मास्क ही निकल रहा है। तो इतने महंगे महंगे फेस पैक हम नहीं परचेज़ कर पाते हैं, तो आप घर पे जो है वो DIY फेस पैक कैसे बना सकते हो वो आज बताने वाली हूँ। कुकुम्बर जो है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो सभी के घर में होता ही है, और कुकुम्बर जो है वो आपके स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुकुम्बर हमारे स्किन पर जो है वो क्या क्या फ़ायदे देता है। कुकुम्बर यानी कि खीरा। फ्रेंड्स, खीरा जो है वो हमारे स्किन को रिजुनेट करता है, आपके पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपकी स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम हो गई है तो वो उसको भी ट्रीट करता है, आपके रिंकल्स को कम करता है, एजिंग को डिले करता है। तो खीरे के जो है वो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके स्किन के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि क्या चीज़ें हैं जो आपके स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैंने पाया कि खीरा जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। खीरा जो है आप खाते भी हो तो आपको बहुत हेल्दी रखता है अंदर से। तो खीरा जो है वो आपके स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको फेस पैक बनाना होगा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे तामझाम अगेन बोलूँगी कि मैं नहीं करने वाली हूँ। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आपको नमक का टेस्ट लेना है तो आप नमक को अगर आप डायरेक्ट खाएंगे तो उसको आपका मतलब आपको जो है उसका टेस्ट ज़्यादा पता चलेगा। अगर वहीं पे आप उसको खीरे में डिप करके खाएं या फिर आलू में डिप करके खाएं, फिर पानी में मिक्स करके खाएं, तो उसका जो टेस्ट है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, उसकी जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कुकुम्बर का बेनिफिट चाहिए तो आप कुकुम्बर में थोड़ी बहुत चीज़ें ही मिलाइए, और जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी वही मिलाइए और आप अप्लाई कर लीजिए। हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम DIY के नाम पे जो है घर में जितनी चीज़ें पड़ी हैं, किचन में जितनी चीज़ें हैं, वो सब मिक्स करके और सोचते हैं एक ही बार में लगा लेते हैं अपने स्किन पे तो बहुत अच्छा बेनिफिट देगा हमें, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी स्किन को समझिए, आपकी स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके स्किन के लिए। तो सबसे पहले हम गर्म पानी में जो है वो एक नैपकिन को डिप कर ले रहे हैं और इसको अच्छे से निचोड़ के जो है वो अपने फेस को जो है आपको स्टीम दे देना है। इससे जो है आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा, आपके पोर्स में जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब क्लीन हो जाएगा। एक से दो मिनट तक जो है वो आपको अच्छे से अपने फेस को स्टीम दे देना है। और उसके बाद आपको एक खीरे को हाफ स्लाइस में कट कर लेना है और इसको जो है वो मिक्सर जार में आपको ब्लेंड कर लेना है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है क्योंकि खीरे में ऑलरेडी पानी होता ही है। तो इसको अच्छे से आप कट करके और आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। थर्टी सेकेंड में ये ग्राइंड हो जाएगा। इसको आप किसी भी क्लीन बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपको इसको छानना नहीं है। और उसके बाद मैं क्यारा का ले रही हूँ एक कॉटन वाइप। आप चाहें तो और भी तरीके के वाइप्स आते हैं, टॉफ़ी वाइप्स भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ये था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। और इसको जो है वो मैंने कट कर लिया है शीट मास्क की तरह। मैंने और वीडियोस में बताया है कि आपको कैसे कट करना है। और इसको अच्छे से आप डिप कर लीजिए इसके अंदर, खीरे के जो पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़ा बहुत आ जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं वो निकाल दीजिए। और बहुत लिक्विड ही है, आप देख रहे हैं कि इसमें से पानी जो है वो निकल रहा है, तो अच्छे से जो है वो अपने फेस पे आप चिपका लीजिए। शीट मास्क के रूप में लगाने का फ़ायदा यही है कि ये लंबे समय तक आपके फेस को गीला रखेगा और इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा।
मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक जो है वो फेस पे लगा के और इसको इसी तरीके से रहने दूंगी। तो आपको बार बार जो है वो खीरे का रस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीड जो है वो गीली रहती है बहुत लंबे समय तक। तो अब हमने इसको निकाल लिया है और हल्का सा मसाज करके जो है वो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये जो है वो नॉर्मल स्किन वाले कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये फेस पैक या सीट मास्क, आप जो भी चाहें बोल लीजिए। तो अच्छे से आपको टैप वाटर से जो है अपने फेस को यहाँ पर क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, तो जिन लोगों को भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से खीरे का जो है वो जूस निकाल सकते हैं और इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक चम्मच मैंने खीरे का रस निकाल लिया है और इसमें मैं मिला रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो मिला सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर पैकेट वाला है तो मैं ये मिला रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में बट सही से मिक्स कर लीजिए इसको। और इस सीट मास्क को जो है वो मैं दोबारा से इसके अंदर डिप कर दे रही हूँ। सारा लिक्विड जो है वो इस सीट मास्क के ऊपर आ चुका है, तो अब मैं इसको फिर से 15 मिनट के लिए अपने स्किन पे लगा के और आराम से इसको रेस्ट करने दूंगी। तो अब मैं बना रही हूँ एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ओट्स मिल जो है वो आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में जिंक पाया जाता है। तो इसको मैं खीरे के रस में मिलाकर और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैंने इसको यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है क्योंकि मुझे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो थोड़ा सा ही मुझे आपको दिखाने के लिए ही करना था बस। और अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप जो है वो एक ही बार इस पैकेट को मिक्सी में ग्राइंड करके और रख सकते हैं और जब भी मन करे तो आप पेस्ट बना के इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें खीरे के जूस की जगह जो है वो आधे चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और एक से डेढ़ चम्मच जो है वो पानी को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें कि जो एप्पल साइडर विनेगर है उसके अंदर ही सीधा पेस्ट ना बनाएं, उसमें पानी भी ज़रूर मिक्स करें। ये जो फेस पैक है वो आपके एक्ने के लिए बिल्कुल जो दवाई वाली क्रीम आती है एक्ने के लिए बेंजोल परोक्साइड, ये बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं पिंपल के, तो अगर आप वीक में एक से दो बार भी इस पैक को लगाते हैं तो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। ओट्स जो है वो बहुत महंगा नहीं आता है, ये पैकेट मुझे 45 रुपीज़ का मिल गया था, तो ये जो एक पैकेट है वो आपका 1.5-2 महीने तो आराम से चल जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर रहता है। और इतना जो मैंने ओटमील बनाया था, मतलब पैक बनाया था, इससे जो है वो 2 जनों का लग गया था फेस पे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये देखिए ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब जो है अगर आप कि एक्ने प्रोन स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरीके से रब बिल्कुल भी मत करिए। मुझे पिंपल की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो मैं मोटे मोटे पार्टिकल्स को जो है वो रब करके निकाल ले रही हूँ। और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप जो है वो हल्का सा वार्म वाटर कर लीजिए और उससे आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन नहीं है तो आप नॉर्मल टैप वाटर से भी जो है इस फेस पैक को उतार सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों फेस के लिए, तीनों स्किन टाइप के लिए जो है वो फेस पैक और शीट मास्क बताए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है जब मैंने देखी तब मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है वो आपकी काफ़ी काम आ सकती हैं।
तो आप इन सब को ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल आपको दवाई की तरह तो इफ़ेक्ट नहीं दे सकती हैं एक ही बार में, क्योंकि आप सोच सकते हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लेंगी आपके स्किन पे काम करने में, बट ये काम डेफिनेटली करेंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए और रेगुलर जो है इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए, तो आप ज़रूर जो है वो डिफरेंस देख पाएंगे अपनी स्किन में। यहाँ पर वॉश करने के बाद जो है मेरी स्किन काफ़ी सही लग रही थी मुझे, तो स्किन जो है वो ड्राई है, बट हाँ सुपर ड्राई नहीं है कि आपकी स्किन खिंचेगी, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है, बट हाँ एक ड्राइनेस भी है, ऐसा लग रहा है ऑयल को जो है वो स्किन पे से पूरी तरीके से निकाल दिया है इसने, तो काफ़ी सही लगा ये फेस पैक मेरे को। ये जो फेस मास्क है वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को भी एक्ने की प्रॉब्लम है वो इसे यूज़ कर सकते हैं वीक में 1 से 2 बार, और उनको जो है वो गर्म पानी, हल्का गुनगुने पानी से जो है वो अपने फेस को वॉश करना है। मुझे स्किन पे जो है वो कहीं भी पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने नॉर्मल जो टैप वाटर आता है उसी से वॉश कर लिया है अच्छे से। तो अगर आप गर्म पानी से वॉश करेंगे तो और अच्छे तरीके से जो है वो डीपली आपके स्किन से ऑयल को वो बाहर निकाल देगा, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको कुकुम्बर फेस मास्क जो है वो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप चाहें तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों को भी जो है वो कुकुम्बर सीट मास्क की ज़रूरत है या फेस पैक की ज़रूरत है, तो वो इस तरीके का जो है वो घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कल जो है वो हमारे 50,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ठीक है, आप तक जो है वो सही और वैल्यूबल नॉलेज ही पहुँचना चाहिए। स्किन केयर के बाद जो है वो हेयर केयर की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, कौन सा सीरम, कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो वो सब चीज़ें भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।